जय माता दी, राम राम। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। तो आज मैं मतलब देखो कितने फ्रेश हूँ, मतलब वैसे ठीक, वो दिक्कत नहीं है, दवाइयाँ भी खा रही हूँ, रेस्ट, मतलब ये सोच लो कुछ भी थोड़ा सा भी हाथ हिलाने तो ये जगह जैसे टूट गई है मेरी, मेरे को ऐसा एहसास होता है, लेकिन टूटी नहीं है। टूटी होती तब तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पाती ना चल पाती। मैं आपको दिखाती हूँ आज कितने दिन हो गए झाड़ू नहीं लगाया किसी ने। अब तो मैंने परे लगा भी दिया, पौड़ियों के ऊपर से इतना गंदा भी, वहाँ पे भी मैं, मुझे पोछा लगाना है, इतनी बार बोला है। ऊपर के लिए अलग चप्पलें लेके आई हूँ, नहीं सुनते भाई, नहीं सुनते, बोल बोल के पागल हो गई हूँ। अच्छा नहीं, टाइलों में तो गंद बैठ जाता है, तो फिर भी साफ करने ही पड़ते हैं ना। तो वैसे तो है बाजुओं का काम, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ। सबसे पहले सोच रही हूँ कि मैं ना मोहम्मद जला दूँ गायों को, ना फिर पानी हो जाएगा गर्म पीने के लिए। नहीं हसी माँ तेरा हसना, हसी माँ तेरा नचना, हसी माँ तेरा हसना, हसी माँ तेरा नचना। ओ दिल ले गया, ओ दिल ले गया, हसी माँ तेरा हसना, हसी माँ तेरा नचना। छोकरू मर दे कल जा रे सारे, ऐसी माँ तेरे झुमके, ऐसी माँ तेरे ठुमके, ऐसी माँ तेरे झुमके, ऐसी माँ तेरे ठुमके। ओ दिल ले गए, ओ दिल ले गए, ऐसी माँ तेरा हंसना, ऐसी माँ तेरा नचना। के तेरा रूप सिंगार, छोकरू पई गए सारे बीमार, देखी के तेरा रूप सिंगार, छोकरू पई गए सारे बीमार। ऐसी माँ तेरे नखरे सारी दुनिया ते बखरे, ऐसी माँ तेरे नखरे सारी दुनिया ते बखरे। ओ दिल ले गए, ओ दिल ले गए, ऐसी माँ तेरा हंसना, ऐसी माँ तेरा नचना। नीली साड़ी ती जो बड़ी बाके सजती, सीमा प्यारी है।
चलो ये हो गया, अब चलते हैं वहां पे। यहाँ पे ना बहुत बुरे हालात थे, गेट के पास जाते ही ना इतना गंदा सा लगता था, सच्ची बता रही हूँ। ये देखो यहाँ पे किया मैंने इकट्ठा, भी यहाँ पे मैं आग जला लगाऊंगी इस साइड। तो ये देखो गेट के पास बहुत गंदा सा था, अभी ऊपर पौड़ियों में लगाना है पोचा, पौड़ियों के बुरे हाल है। तो अभी हम पहले किचन में लगा लेते हैं पोचा, बस थोड़ा पानी में करूंगी मैं यहाँ पे, बहुत हो गया मेरे लिए काम पर, चलो बुरा लगता है बिना धीरे धीरे से ना। वैसा नहीं है, बस सिर्फ फॉर्मेलिटी वाला पोचा है, वैसा डिपली डुपली पोचा नहीं है। क्या करूं, बाएं हाथ ज्यादा चला रही हूँ क्योंकि मेरे दाहिने हाथ में ना ज्यादा दर्द है। यहाँ से हो गया ना, अब बाहर चलते हैं। बस फिर इसके बाद जो है बाहर बरामदे, मतलब मेरा एक मेरी मतलब सबसे बुरी आदत है, सबसे गंदी आदत बोल लो आप, जब मेरे को पता है कि मेरे शरीर में तकलीफ है ना, पर मेरे को ना मेरे पैरों में, एक तो अगर कूड़ा है तो फिर मेरे पैरों में चुभता है, वो अगर छोटा छोटा भी है ना वो भी मेरे को बहुत, जब तक मैं मतलब झाड़ू ना लगा लूँ मेरे को ये लगा रहता है, मजबूरी में बोलो आप, जब मैं नहीं करती हूँ, जब तबीयत नहीं ठीक है। और फिर लगी करने, मैंने कहा चलो धीरे धीरे ना कर ही देती हूँ, करने तो लगी हूँ। फिर यहाँ पे पता है जानवर है हमारे घर में, जैसे कुत्ता है, तो ये पोचा देना तो रोज़ बनता है, ठीक है रोज़, क्योंकि आप लोगों को पता ही है। पर फिर रोज़ मैं कैसे दूँ, मैं तो रोज़ देती नहीं, कभी कभार बोलो आप, जब मैं मतलब ऐसे, और बायां हाथ ज़्यादा चला रही थी मैं, मेरा दाहिना बाजू बिल्कुल भी नहीं हिलता और मेरे से फुलके नहीं बनते, मेरे बहुत सारे काम अब यही करते हैं घर वाले ही। तो फिर मैंने सोचा कि चलो ये वाला मैं आज कर दूं, और ये सबसे ज़्यादा भारी काम था, तो आप यकीन नहीं करोगे मतलब क्या कंडीशन हो गई थी मेरी ना, आप सोच भी नहीं सकते। फिर आप बोलोगे कि क्यों किया, हमने थोड़ी नहीं बोला था, बिल्कुल आप तो मेरे भले के लिए बोलते हैं कि मधु रेस्ट करो रेस्ट करो, पर पता है क्या है, बस वही बात है ना, लोगों के लिए मैं नहीं करती, कई बोलते हैं ना कि लोगों ने क्या बोलना, चलो हाँ होता है थोड़ा बहुत, सड़क के साथ का घर है कि लोग क्या बोलेंगे ना ऐसा वैसा, पर पता है क्या, अपने मन की तसल्ली होनी चाहिए, मुझे साफ सुथरा दिखना चाहिए। यहाँ पे हम सारा दिन देखो कभी सब्जी काटते हैं, कभी सोते हैं, सारा दिन मैं यहीं बैठी रहती हूँ, और बरंडे टाइलें बाहर से, अंदर से कई दिन हो गए थे झाड़ू नहीं, ये कर देते हैं बिस्तर जैसे कर देगा हने, झाड़ू लगाएंगे ना ऊपर ऊपर से लगाएंगे, अब मैं इनको भी नहीं बोल सकती, अब मर्द लोगों का काम है क्या बोलूँ मैं, है ना। तो बस ऐसा वो मेरे को पसंद नहीं है, तो बस बड़े आराम आराम से बड़े धीरे धीरे से मैं ये सारा पोचा पाचा लगा रही थी, और मेरी टाइलें ना ऐसे थोड़ी नहीं होनी थी ये साफ, इनमें तो पहले निरमा या जो भी टाइलें धोने का होता है टाइल क्लीनर, तो वो लगना था पहले उसके, तो मैंने ऐसे बोलो आपकी धूल बिठा दी, धूल थी यहाँ बैठी सड़क रोड साइड है, धूल होती है मिट्टी, और बाल बूल झड़ जाते हैं जो कि बहुत ख़राब होते हैं ऐसा बोलते हैं। तो बस यही सब था, और ये ऊपर वाली पौड़ियाँ सोच रही थी, पहले सोचती रही ये भी ज़्यादा गंदी है, सोचती रही भी कर दूँ साफ ना करूँ कर दूँ साफ, फिर बाद में मैंने कहा नहीं होगी नहीं मेरे से, बस तो मैंने ये किया। फिर यहाँ पे सारी ये बरामदा, पता आता है कोई ना हमारे घर में तो यहीं बैठता है, और ये टाइलें बड़ी गंदी सी चमकती है, पानी गिर गया फिर नीचे से धूल बैठ गई तो बहुत ही बुरी लगती है, सबसे बुरी आदत है मेरी सच्ची में।
लगी करने, फिर लगी करने, फिर ये नहीं कि थोड़ा कर ले, फिर नहीं नहीं फिर ये भी दिखा, फिर वो भी दिखा, रसोई से लेके सारे नीचे ऊपर तक, गेट के पास बहुत कंडीशन ख़राब थी, वहाँ पे झाड़ू लगा लिया। अच्छा फिर अपने लहसुन प्याज बहुत सारा था, मैंने कहा उसको भी मैं सेड़ी लेती हूँ, सिंचाई कर लेती हूँ। जब से मैं बीमार हुई ना, वहाँ पे किसी ने नहीं उनको सेड़ा है, सब कुछ वैसे के वैसे ही पड़ा है। ये देखो पौड़ियाँ भी दिख रही होनी आपको, तो क्या कंडीशन है पौड़ियों की। ठीक है, अब तो फिर बाद में चमक गई थी पौड़ियाँ, चमका दी थी मैंने, तो तकलीफ बहुत हो गई थी सच्ची में। तो क्या बोलते हैं, पता नहीं क्या बोल रही थी मैं, हाँ तकलीफ़ हो गई थी मेरे को, कोई बात नहीं। फिर ये मेरी पौड़ियाँ साफ हो गई। अब देखो यहीं से मेन एंट्री है ना, मेन एंट्रेंस यहाँ से आते हैं, जब हमारी कौशल पल्ली तब चली जाएगी ना, फिर ये यहाँ से कोई गोबर वाली पौड़ियों से नहीं आएगा। तो अच्छा वीडियो को लाइक कर दिया करो, कुछ खास नहीं होता मुझे पता है, क्या करूँ मैं, क्या बनाऊँ मैं, मेरे से फ़ोन तक नहीं उठाया जाता, बस हंसती रहती हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों की खुशी के लिए। खुशी के लिए का मतलब ये है कि आप बोलते हैं कि आप हंसते रहते हो ना, तो हमें खुशी होती है। तो बस ऐसा ही है भाई, ज़िंदगी है, काटनी पड़ती है, करना पड़ता है अपने परिवार के लिए, करता है हर आदमी, मेहनत करता है कुछ भी। तो बस यहाँ तक मैंने पौड़ियों का भी कर दिया था। तो 11:30 हो चुके हैं और अब मैं बस रफली काम किया, ये नहीं बोल सकती मैं कि मैंने बहुत बहुत डीपली सफाई किया कुछ भी। ये देखो इधर इसको, ओए क्या कर रही है गुन्नू, देखो कैसे खाती है घास ना, इस तरह से लेटती है नीचे, सारे घास के ऊपर लेटती है, मैंने ही खाना भाई। और ये बेचारी बहुत शरीफ है, ये कुछ नहीं बोलती इसको। देखो और इधर इसकी माँ है। अब चली मैं ऊपर, तो थोड़ा सा बस यहाँ ये वाला पोर्शन किया मैंने साफ, ये रह गई उठाने को। और पौड़ियाँ धोई, एक चीज और दिखा दूँ मैं, पौड़ियाँ भी दिखा दूँ ऊपर को आपको, बुरे हाल थे पौड़ियों को, इतनी गंदी जैसी हो रखी थी ना। देखो ऐसे पोचा अगर 2-4 दिन बाद लग जाए ना तो फिर ठीक रहता है, पर किसको बोलूं, बोलते बोलते थक जाती हूँ मैं, पागल हो जाती हूँ, सुनाई कम होती है। इनमें रह गया पानी देने को, और उधर मैंने प्याज को पानी दिया, 1-1.5 घंटा मेरा यहाँ पे लगा, पालक को पानी दिया, लहसुन को दिया, मूलियाँ बहुत अच्छी होगी हमारे। तो ये देखो प्याज को, लहसुन को बहुत दिन हो गए थे पानी नहीं दिया था, जब से मैं बीमार थी किसी ने पानी नहीं दिया, इसकी ग्रोथ कहाँ से होनी थी भाई, पानी आया हुआ है। देखो मेरे कपड़े भी धोने को पर नहीं धो जाते, बस ये काम किया मैंने, मेरे फिर से दर्द शुरू हो गए। आप मेरे को गालियां बकेंगे, मुझे पता है कि जो पता है नहीं होता तो किया क्यों, आपने हैरान होना देख के ना, बहुत गंदा सा लगता है खुद को भी ना, एक नेगेटिव जैसी वाइब्स आती हैं, अपने आप ही अगर साफ सुथरा ना दिखे। और बस अब मैंने सो जाना दवाई खा के, मेरी टाइलें बढ़िया होगी ना, खुद को बहुत बुरा लगता है कसम से। ये पौड़ियाँ रह गई साफ करने को ऊपर वाली, बस मैंने भी नीचे वाली ही करी, वो नीचे तक फ्रंट का है ना, मैं थोड़ी सी ठीक थी आज, बस मैंने सिर्फ रफली कर दी, उनको बहुत प्यास लगी है और दर्द भी बहुत लगी है। तो कैसा लगा वीडियो, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अभी यहाँ पे ना बहुत दर्द, और मेरे को एक और दिक्कत होगी यहाँ पे ना, एलर्जी हो गई दोनों साइड, ये देखो यहाँ पे भी ये तराफड़ जैसे आ गए, मतलब ये, और यहाँ पे खारिश है, दोनों साइड खारिश है। अब ये क्या हो गया, अब नई नई बीमारी पैदा होगी, ये ख़त्म नहीं होती दूसरी हो जाती है, क्या करूँ मैं। जय माता दी, माता रानी जो भी करेगी वो सही करेगी। तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं, आपके बच्चे कामयाब हों, आप स्वस्थ रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, तंदुरुस्त रहें। जय माता दी।